हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बाबू साहब ब्लॉग्स में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं LG 155 टन 5 स्टार डुअल इन्वर्टर AC का जो है सर्विस करके दिखाऊंगा कैसे सर्विस होती है इसकी। और मैं कोई प्रोफेशनल जानकारी नहीं रखता इस बारे में क्योंकि ये मेरा हॉबी नहीं है, न तो मैंने कभी वैसा सोचा कि इसके बारे में डिस्क्राइब पता करूं जानकारी हो। लेकिन आमतौर से जैसे सर्विस करते हैं लोग, मैंने काफी वीडियो देख करके और एक दो बार सर्विस तीन बार कराया, उसके बाद जानकारी लेकर के ये सर्विस किया हूं मैं पहले एक बार दो बार। और आप लोगों को भी बताना चाहूंगा कैसे सेफ्टी से सर्विस कर सके, कोई नुकसान नहीं, कोई दिक्कत नहीं और आराम से एक नंबर की AC साफ हो जाती है। हो सकता है आने वाले भी उतना अच्छे से न करें और हम लोग हो सकता है और सेफ्टी से अच्छी सर्विस कर सकें। तो गाइज आगे दिखाते हैं, ये हमारी AC जैसा कि हमने बताया LG 155 टन डुअल इन्वर्टर AC है। वोल्टेज स्टेबलाइजर इसको पहले अनप्लग करेंगे। सबसे पहले सेफ्टी प्रिकॉशन का बहुत बड़ा ध्यान देना है, आउटडोर इंडोर, ये हमारा इंडोर है तो इंडोर को कैसे सफाई करेंगे। आउटडोर को तो सिर्फ पानी का प्रेशर मार देते हैं सुबह के समय और 3-4 घंटे धूप में रहने के बाद जो है सूख जाता है, वो फ्रेश हो जाता है, उसके लिए क्लीनिंग की कोई ज़्यादा इशू बड़ा नहीं है। लेकिन ये जो है इंडोर के लिए जो है थोड़ा टिपिकल है, इसके दो भाग होते हैं, दोनों जो है हम लोग खोलेंगे अलग अलग और खोल करके आपको दिखाएंगे कि कैसे जो है ये खुलता है, ओपन होता है और कैसे इसकी सफाई करते हैं। सबसे पहले चलते हैं पार्ट वन में। सबसे पहले दोस्तों यहाँ से MCB को हम गिरा देते हैं। गिराने के बाद जो बंद हो जाएगा MCB ऑफ होते ही अनप्लग कर दीजिए यहाँ से, इसको अनप्लग हो जाएगा आपका जो है स्टेबलाइजर। स्टेबलाइजर से जो लाइट सप्लाई हो रही है वो बंद हो गई। इसके बाद आपको ध्यान देना है ये तीन पार्ट हमको खोलना है इसमें से, और तीन पार्ट की बाहरी सफाई होगी और अंदर जो है जो सफाई करनी है वो मैं अलग से बताऊंगा, सूखे कपड़े से गीले कपड़े से अलग अलग करके बताऊंगा। सबसे पहले कि आप देखना चाहेंगे कि एक ऊपर जाली होती है, ये जाली खींचने से ऐसे खुल जाती है, इसमें कचड़े इकट्ठे होते रहते हैं तो इसको साफ करते रहते हैं 15-20 दिन पे। ये आप नॉर्मली साफ करके ऊपर अच्छे से बैठा देंगे, ऊपर रिप्स बने हुए हैं उसमें बैठा देंगे तो बैठ जाएगा। तो ये एक जाली हो गई, आप इसको कहीं रख लीजिए, बाद में इसकी धुलाई होगी। ये तो आपका फर्स्ट सर्विस होता है तो सिर्फ यही धुलाई करते हैं, जैसे व्हीकल की पहले धुलाई करके देते हैं सर्विस में, वही हाल है। ये प्री फिल्टर है एक तरह समझिए, इसको साफ कर देंगे काम उनका खत्म हो जाएगा। और सेकेंड पार्ट पे आते हैं, ये पार्ट जो खोलना है इसमें एक ये है और एक ये नीचे जो भाग है ये वाला भाग खुलेगा। ये यहाँ से हुक लगा हुआ है, यहाँ भी हुक लगा हुआ है, इसको खींचने से खुलेगा और यहाँ दो हुक लगे हुए हैं, ये भी खुलेंगे। और ऊपर वाला खोलने के लिए इसके अंदर एक जो है एक आपका स्क्रू है, एक इधर स्क्रू है एक इधर स्क्रू है, दोनों स्क्रू खोलने के बाद ऊपर वाला ओपन हो जाएगा। ऊपर वाला ओपन हम करके सब दिखाएंगे, आगे का वीडियो आप लोग बने रहिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और सब्सक्राइब करना, अगर नहीं सब्सक्राइब किए हैं सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आप लोगों को हो सकता है आगे वाला वीडियो आने वाला और काम का हो और बताएंगे कितनी वोल्टेज खींचती है, ये कितना बिल आता है मंथली, ये सब भी आता है, सब बताएंगे और इंटरेस्टिंग वीडियो डालते भी रहते हैं सब, तो आगे बने रहिए वीडियो के साथ आप लोग। दोस्तों सबसे पहले तो ये पतले से जो रिलीव, इसको हम फर्स्ट भाग को खोलेंगे, ये यहाँ लॉक है, इस लॉक को यहाँ से खींच करके खोलेंगे ऐसे, और एक यहाँ एक लॉक है, इसको लॉक को छुड़ाएंगे ऐसे खींच करके, उलझा हुआ है वो, थोड़ा सा टिपिकल तो है, लेकिन टिपिकल क्या है, पेचकस से या तो हाथ से भी आप ऐसे खींचने से खोल सकते हैं। ये साइड में देखेंगे जो अलग से ज्वाइंट है, इस ज्वाइंट को किनारे पकड़िए आप, अलग से खींचिए इसे, खींचने, देखिए इधर का खुल गया। अब जैसे आपने देखा इधर का खुल गया है, अब मैं दूसरे साइड का खोल के दिखाता हूँ आप लोग देखेंगे। तो इधर साइड में उंगली डाल के खींचना पड़ेगा, थोड़ा खींच दिया हमने, ये दो जगह खुला, क्लिक की आवाज आई। एक आप देखेंगे यहाँ पे, ये देखेंगे इसमें हुक जैसा फंसा था, और दूसरा यहाँ पे इसमें जो है हुक जैसा फंसा था, इन दोनों में, तो ये दो हो गया। अब उसके बाद नीचे भी है हुक, इसको खींचेंगे जब, ये देखिए तीसरा यहाँ खुला, चौथा यहाँ खुल गया, चार हुक्स हैं इसमें, इसको अब नीचे हम रख देंगे
इसको नीचे रख के अब देर रख देंगे साइड में, बाद में धुलाई उलाई करके अच्छे से लगाएंगे। चूंकि कुछ दिन पहले ही मैंने अपने एसी को सर्विस किया था, इसलिए ज्यादा गंदी नहीं है, फिर भी मैं इसको सर्विस करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये देखिए एक स्क्रू यहाँ दिए गए हैं, एक यहाँ पर है, एक स्क्रू यहाँ पे है। दोनों स्क्रू को खोलना है, उसके बाद ये ओपन हो जाएगा ऊपर वाला। इस पंखे को खोलने की जो आवश्यकता नहीं है, अंदर जो भी सफाई है, अंदर जो है कपड़े सूखे कपड़े से हम लोग सफाई कर लेंगे। तो आगे बने रहिए, आगे हम कार्रवाई करते हैं खोलने का। इसको खोलने के बाद आप लोग दोस्तों इस स्क्रू खोलेंगे, स्क्रू खोल लेते हैं। हमारे पास स्क्रू ड्राइवर है, इसको नीचे की तरफ से उठाएंगे ऊपर को, उसके बाद ऊपर चढ़ेंगे थोड़ा सा, ऊपर उलझा रहता है थोड़ा सा, उसको छुड़ाएंगे थोड़ा, क्लिप में फंसाया हुआ है, उस क्लिप से बाहर निकाल करके छुड़ाते रहते हैं, क्लिप निकल जाता है। देखिए निकल गया बाहर। ये पार्ट तीसरा पार्ट है जो हमने खोला, तो इस पार्ट को देखेंगे, ये सिंपली खुल जाता है, इसको आराम से धुलाई उलाई करके फिर हम लगाएंगे। तो अभी ये एसी सामने हमारे खुल चुका है, इसको सबसे पहले हम लोग कपड़ा लेंगे और कपड़े सूखे कपड़े से इसको पोंछेंगे, सूखे कपड़े से ये सब सफाई होगा, उसके बाद गीले इसको गीला हम कर सकते हैं। इसको हम बताएंगे कैसे क्या करना है, इसको ज्यादा प्रेशर नहीं डालना है, रिप्स हैं, पत्तियां हैं पतली पतली, ये जो है मुड़ जाती हैं, बेकार हो जाएंगी, इसको मुड़ना नहीं चाहिए सेफ्टी से। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, इस पे जो है सूखे कपड़े से इसको पोंछ लीजिए, झाड़ उड़ लीजिए, जितना डस्ट बैठा हुआ है सब साफ हो जाएगा। और ऊपर से जैसा ये देख रहे हैं, ये सब क्लिप था, इसमें फंसा हुआ था, ऊपर वाला जो कवर था उसको हमने साफ किया। तो इसको जितना हो सके सूखे कपड़े से नॉर्मली साफ कर लीजिए, प्रेशर मत दीजिएगा। ये पत्ती को साफ कर रहे हैं हम, और ये जो रिप्स बने हुए हैं बारीक बारीक, इसको टच नहीं करना है आपको, ये सिर्फ जो है नॉर्मल जो है ब्रश से साफ करेंगे। अभी जितना सफाई करना है कपड़े से कर लीजिए सफाई। एसी जो है आजकल सबके घर में है, और उसकी सफाई जो है हम घर पे बैठे करें तो कोई बुरा नहीं है। स्टेबलाइजर भी साफ कर देते हैं थोड़ा। तो दोस्तों अगली सफाई के लिए चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे आप, ये पानी ले लिया हमने और ब्रश ले लिया है, टूथ ब्रश है बेकार। जैसा कि आपने देखा दोस्तों, ये सफाई करेंगे ये वाला रो, फिर इसके बाद ये वाला पूरा रो यहाँ तक सफाई करेंगे, उसके बाद पीछे साइड में भी ऐसे ही रो है बना हुआ, जो कि हम इसको अच्छे से ऐसे साफ कर सकते हैं ब्रश से, और इसमें डुबा डुबा के ब्रश को देखिए एक तरफ से सफाई इसी रिप्स में ऐसे ऐसे साफ करेंगे। इसमें जो गंदगी निकले उसको पानी में साफ करके ऐसे करते रहेंगे, इत्मीनान से अच्छे से करेंगे, जितना अच्छे सफाई कर सके आप। जितने रिप्स हैं सबको जो है अच्छे से सफाई करना पड़ेगा। We'll be right back.
चुका है, ब्लैक आप लोगों को दिख रहा होगा लेकिन ये क्लीन हो चुका है एकदम साफ। इसमें जितनी गंदगी थी पानी में गंदगी निकल चुकी है। ये पानी जो है, इस पानी को हम गंदा पानी तो अभी हमारा ज्यादा नहीं गंदा हुआ है, चूंकि हमने भी बताया था ना अभी दोस्तों, जैसा कि हमने सफाई किया इसमें जो भी गंदगी थी बाहर निकल गई ब्रश के माध्यम से, जो अंदर घुसी होगी हम ऐसे पानी गिराकर हल्का सा पानी ऐसे गिरा देंगे और पानी कहीं बाहर नहीं आएगा आपका, और उस वो पानी धीरे धीरे गिरा देंगे एकदम साफ हो जाएगा अंदर तक। ये जैसा कि हम गिरा रहे हैं और नीचे वाले भाग पे बाहर निकल जाएगा पानी जहां से गिरता है, सॉरी बाहर की तरफ आ गया, तो इसको स्लोली स्लोली गिराना है, इससे साफ हो जाएगा एकदम जो है आपका, और कोई दिक्कत भी नहीं आने वाली इस पानी से। और जैसा देख पा रहे हैं आप लोग रिप्स की सफाई अच्छे से हो जाती है, जितनी गंदगी है बाहर जो पानी गिरता है उस पाइप से बाहर हो जाएगा और इसको हम अच्छे से साफ भी कर पाएंगे। ये आपकी ऐसी इंडोर ये सफाई हो चुकी है। इसके अलावा जो है प्री फिल्टर जो होता है जो ऊपर जाने लगती है उसकी सफाई करके हम बाथरूम में दिखाएंगे, तो उसको सादे पानी से ब्रश से साफ कर लेते हैं। चलिए दोस्तों अभी आगे। दोस्तों ये प्री फिल्टर है या चलिए कैसे हम सफाई करते हैं, बहुत नॉर्मली पानी दोनों तरफ से हाथ लगा लेते हैं और ऊपर की तरफ का ये जो रिप्स है उसमें पसी रहती है गंदगी, ऐसे धुलाई कर लेंगे और उसको थोड़ा ऐसे उठा देंगे, ऐसे पानी से बिल्कुल नॉर्मली नॉर्मल पानी साधारण पानी से बिल्कुल साफ हो जाता है। साफ हो जाने पर इसको ऐसे झाड़ लीजिए, अब ले चलते हैं इसको लगाएंगे, बंद कर दीजिए। जैसा कि दोस्तों देखे थे हम लोग, हमारे पास तीन पार्ट हमने खोल रखा था, ये दोनों पहले से ही साफ है, अभी कुछ दिन पहले ही मैंने सफाई किया था, इसकी सफाई जरूरत नहीं थी इसलिए कपड़ा मार दिया इसमें, और जिसमें सफाई की जरूरत थी हमारे प्री फिल्टर में जो कि ऊपर की जाली होती है, इसको हमने बढ़िया से धुलाई कर दिया और झाड़ दिया और इसको हम जो है ऊपर बैठा कर दिखाएंगे। अभी चलते हैं सबसे पहले इन पार्ट में, यही होता है इसमें कि जो सबसे पहले खुलता है सबसे लास्ट में जुड़ता है, और जो सबसे लास्ट में खुलता है वो सबसे पहले जुड़ता है, तो हमारा सबसे लास्ट में ये पार्ट जो है ओपन हुआ था, तो सबसे पहले इसी को बैठाएंगे। तो अब चलते हैं इसको बैठाने के लिए हम लोग ऊपर, तो थोड़ा कपड़ा वपड़ा और मार लेते हैं, अब देखते हैं। सबसे पहले बहुत सिंपल है इसको बैठाना, इस तरफ जो है इस साइड में ऐसे ले जाके, इस साइड में देखिए ऐसे ले जा रहे हैं हम, और बड़े आराम से ऊपर जितने रिप्स हैं जाली, फर्स्ट कवर हमारा जो है अच्छे से जुड़ चुका है, इसमें दो स्क्रू हमने खोला था, उसके बाद स्क्रू हम टाइट करेंगे। अभी इसको ज्वाइंट करना बहुत ही सिंपल है, कोई बड़ी चीज है, सिर्फ रिप्स देख करके ऊपर वाला रिप्स आराम से उसमें बैठा दीजिए और साइड में जो है यहाँ से दोनों तरफ से कवर करते हुए बैठा दीजिए। ऊपर तीन चार रिप्स हैं आगे पीछे, इधर से भी हुक ऐसे करके है, उधर से भी ऐसे है, दो जगह तीन जगह है, उसको अच्छे से बैठा देंगे बैठ जाएगा। इसके बाद हम सबसे उसके बाद क्या खोले थे, इस वाले पार्ट को, अब हम इस वाले पार्ट को जो है कवर करेंगे। इससे पहले हम थोड़ा कपड़ा मार के अंदर की सफाई कर लेते हैं। अब इसमें सूखे कपड़े से आराम से इसको अच्छे से पोंछ लीजिए आप लोग, और अंदर की तरफ जितना सफाई कर सके आप लोग। हालांकि मैंने किया था अभी कुछ दिन पहले सफाई, इसलिए जो है उतना इंटरेस्ट नहीं कर रहा हूँ, ये हमारी सफाई हो चुकी और हम नीचे वाला पार्ट अब ज्वाइन करेंगे। इस वाले भाग
अच्छा, ये वायर के लिए ये पार्ट बना हुआ है हर जगह, और हम लोग क्या किए डायरेक्ट कर दिए, ये हो गया जगह उसका बन गया, वो अपनी जगह पे बैठ गया है वायर। अब पूरी ऐसी है, अब यहाँ रिप्स इसके बने हुए हैं, इसके रिप्स यहाँ भी बने हुए हैं, इसको बंद कर दीजिए। ऐसे ऐसे रिप्स बने हुए हैं वैसे। अब ये बहुत सिंपल तरीके से और अच्छे से बैठ गया, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आपकी रेडी होने वाली ऐसी। अब लास्ट में इसको जो सबसे लास्ट में फिल्टर, सबसे फर्स्ट में खोले थे वो सबसे लास्ट में फिल्टर जो है ऊपर डाल देते हैं, और उसमें खोलते समय तो आप नीचे से खोल लिए, लेकिन लगाते समय जो है उसमें ध्यान देना पड़ेगा। ये हम इसमें लगा दिए और इसको ये अच्छे से बैठा दिए, अपने आप बैठ जाता है। ये चारों तरफ से हमारा कवर हो चुका है अच्छे से जाली, और एसी सर्विस होके हमारी तैयार हो चुकी है। दोस्तों अभी हमारी एसी जो है सफाई होकर तैयार हो चुकी है, सर्विस हमने डन कर दिया आज, और इस सर्विस को आप लोग बड़े ही आराम से कर सकते हैं घर पे, और इतमान से हड़बड़ी करने की जरूरत नहीं। जल्दीबाजी करने से जो काम बिगड़ जाता है, और काम कोई बिगड़ने वाला है नहीं वैसे दिख रहा है मुझको, क्योंकि ये जब मैं कर सकता हूँ बिल्कुल आप लोग कर सकते हैं, कोई भी टेक्निकल ऐसा कोई एक्सपीरियंस है नहीं मुझे, लेकिन फिर भी मैंने इस एसी को साफ किया और बदले भी साफ किया, अभी भी कर लिया थोड़ा बहुत, और आप लोग भी करिए इसको करके देखिए। घर पे जो है लॉकडाउन, अगर आपकी एसी बहुत गंदी है और बहुत जरूरत है तो करिए, और ऊपर वाला जो है 40-15 दिन में आप लोग आराम से यहाँ से बने हुए हैं बुक जैसे उसको पकड़िए और ऊपर खींचिए, ओपन हो जाएगा, उसके बाद धुलाई करके अच्छे से फिर से वैसे ही बैठा दीजिए। अब इंडोर तो हो गया, आउटडोर में बताया था मैंने कि सिर्फ पानी मार करके उसको साफ करते हैं, उसके बाद उसको देख लेते हैं जो है 2-3 घंटे सूख जाए हवा में और धूप में, उसके बाद वो फ्री है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। आउटडोर को ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आउटडोर में, क्योंकि आउटडोर साफ हो जाता है आसानी से, इंडोर क्या है उसको ओपन करना पड़ता है, इस पार्ट को ओपन करके सेफ्टी से जो है जितने रिप्स हमने दिखाए थे अंदर के उनको ब्रश से साफ करना पड़ता है। तो दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में जाके जरूर कमेंट में लिखिएगा, और आप लोगों के यूज में आया कि नहीं आया वीडियो, और आप लोग लाइक जरूर करिएगा इसको, और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, मैं इंतजार करूंगा आपके सब्सक्राइब के लिए। चलो बाय बाय।